आईडी नीचे कर लो सर, आईडी सब चलने नीचे कर लो भैया। आज बयान हो गए हैं हमारे, जिरह एक पार्ट पे हो गई है, नेक्स्ट तारीख 25 तारीख लगी है, 25 तारीख 25 अक्टूबर को मैडम फिर आएंगी। न्याय प्रक्रिया पे पूर्ण भरोसा है, इंसाफ मिलेगा। ये अपनी लड़ाई नहीं लड़ी, ये महिलाओं की लड़ाई लड़ रही है। पूरा अभियोजन की कहानी का समर्थन किया है। मैं गवाह देने के लिए आई और पूरे प्रकरण के बाद 25 तारीख अक्टूबर डेट दिया, फिर मैं अगले डेट पे जरूर आऊँगी। मैं माननीय अदालत को मैं रेस्पेक्ट करते हुए, मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलने वाला है, क्योंकि ये लड़ाई जो है सिर्फ अकेले एक औरत की लड़ाई नहीं है, ये स्त्री के जो सम्मान की बात है, महिला की जो जो स्थिति जो है उनके ऊपर जो टिप्पणी जिस तरह किए हैं, तो इन लोगों को ज़रूर, आज़म खान हो या एसटी हसन हो, इन लोगों को मैं अदालत से मांग करती हूँ कि इस तरह का जो सिलसिला ख़त्म करे और महिलाओं के लिए सम्मान दे। तो मैं अगले 25 तारीख को मैं ज़रूर यहाँ पे हाजिरी के लिए मैं आऊँ। मैम एक सवाल है मेरा कि सपा से एक विधायक के अमरोहा के उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की आबादी अब ज़्यादा बढ़ रही है, अब हम लोग राज करेंगे, इस पर क्या कहना है? देखिए, मैंने जो बयान है वो मैंने देखा नहीं है, और सपा के विधायक के लिए मैं सोचने वाली बात है कि ऐसे क्यों कहा है। जयप्रदा जी के द्वारा, अब्दुल्ला आजम खां और एसटी हसन के द्वारा जो गलत टिप्पणियां की गई थी, उनके संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें आज उनकी गवाही होनी थी, जिसमें जयप्रदा जी बतौर गवाह अदालत में पेश हुई और उन्होंने अभियोजन की समर्थक अपनी गवाही दी है और घटनाक्रम को पूर्ण तरीके से साबित किया है। अगली गवाही 25 तारीख नियत की गई है और हमें आशा है कि हम इन लोगों को सख्त से सख्त सजा दिलाने के लिए कामयाब हों। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।